सेकंड सेमेस्टर में हम श्वसन के बारे में स्पष्ट कर रहे थे, उसके पहले के टॉपिक हमने जो है पोषण के बारे में बताया था। जो महत्वपूर्ण विषय वस्तु थी श्वसन की, मैं उसी की अगली कड़ी में जो है आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से जो है जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो प्रोसेस का लिख दिया होता है, जो श्वसन की मुख्य रूप से प्रक्रिया होती है वह उसे जो है तीन पार्ट में, तीन भाग में डिवाइड किया गया है। वाय श्वसन, रुधिर द्वारा श्वसन और तीसरा है कोशिकीय श्वसन। अब देखिए तीनों की जो प्रक्रिया होती है वह भिन्न भिन्न होती है। वाय श्वसन में मैंने दो पॉइंट लिखा हुआ है, नी श्वसन और निः श्वसन। अब देखिए नी श्वसन क्या होता है। देखिए मनुष्य फेफड़े से सांस लेता है और सांस लेने की प्रक्रिया में क्या करता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है और वह जो है श्वास नली से होते हुए हमारे फेफड़े में पहुंचती है और उसके बाद जो है रुधिर में जो है ऑक्सीजन मिल जाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम लोग जो है नी श्वसन के नाम से जानते हैं। अब फेफड़े से जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और श्वास प्रक्रिया के द्वारा यानी कि सांस की नली के द्वारा वो बाहर निकलती है, जिसे हम नी श्वसन के नाम से जानते हैं। अर्थात जो सांस हम लोग ग्रहण करते हैं उसे नी श्वसन और जो बाहर निकालते हैं उसे नी श्वसन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसे हम वाय श्वसन की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। अब देखिए रुधिर द्वारा श्वसन कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे ब्लड में जो है ये क्या होते हैं, श्वसन प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन जो है घुल जाती है। घुलने के पश्चात वह आवश्यक ऊर्जा हमारे शरीर को प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है और इस प्रक्रिया के द्वारा सांस लिया जा सकता है। कोशिकीय श्वसन देखिए लिखा हुआ है, कोशिकाएं हमने आपको सबसे पहले बताया कि किसी भी जीव जंतु को या पेड़ पौधों को चाहे कितने भी सूक्ष्म क्यों ना हो वे कोशिकाओं से यानी कि सेल्स से बने होते हैं और विभिन्न प्रकार के सेल्स जो है वह एक प्रकार का ऊतक का निर्माण करते हैं और विभिन्न ऊतकों के द्वारा ही जो है हमारे शरीर के विभिन्न अंग जो है बने हुए हैं और इस प्रकार से एक जटिल शरीर की संरचना मनुष्य की मिलती है। अब देखिए उसमें भी जो है वह श्वसन की प्रक्रिया होती है, कोशिकीय मतलब कोशिकाओं में भी श्वसन की प्रक्रिया होती है क्योंकि कोशिकाओं के लिए जो है श्वसन क्या होता है महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए इसमें एक चीज और जान लीजिए, जो जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया होती है उसके प्रोसेस अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने आपने लिखा है त्वचीय श्वसन यानी कि कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो अपनी त्वचा से श्वसन की प्रक्रिया पूरी करते हैं। जैसे मनुष्य है, मनुष्य जो है नाक के माध्यम से श्वसन की प्रक्रिया पूरी करता है, लेकिन त्वचीय श्वसन कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो त्वचा के माध्यम से जो है उनकी श्वसन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। जैसे मैंने आपने एक उदाहरण भी लिखा हुआ है, जैसे केंचुए हो गए, कछुआ हो गया, बीच हो गया और तेंदुआ हो गया। अब देखिए होता क्या है इसमें है, त्वचीय श्वसन में इन सभी जानवरों की जो कोशिकाएं स्किन जो होती है वो क्या होती है, बहुत ही नाजुक होती है और उसमें जो है रुधिर कोशिकाएं पाई जाती है और इस प्रकार से वे श्वसन की प्रक्रिया इसमें संचालित होती है और रुधिर में जो है जो ऑक्सीजन होता है वो क्या रहता है मिल जाता है, मिश्रण उसका बन जाता है और श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अब देखिए दूसरा मैंने लिखा है गलफड़ों के द्वारा श्वसन। आप देखे होंगे कि समुद्र में या जल में जितने जलीय जीव जंतु होते हैं वे श्वसन की प्रक्रिया पूरी करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, कुछ जीव जंतुओं में गलफड़े होते हैं। तो गलफड़ों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, देखिए जैसे कि हम धरती पे रह रहे हैं, जमीन पे रह रहे हैं तो हमें ऑक्सीजन मिल जाती है, लेकिन जब हम पानी में रहते हैं तो पानी का जो रिएक्शन होता है क्या होता है, H2O होता है। अर्थात उसमें किस प्रकार से जो है हम ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं ये महत्वपूर्ण चीज होती है। ठीक है, तो इसलिए उसके लिए गलफड़े बनाए गए होते हैं। गलफड़े एक जालीनुमा आकृति होती है जो पानी से ऑक्सीजन को ग्रहण करती है और श्वसन की प्रक्रिया पूरी करती है। अब देखिए तीसरा मैंने लिखा है श्वसन नलिका के द्वारा श्वसन प्रक्रिया। श्वसन नलिका
श्वास नासिका के नाम से भी जानते हैं और इसके माध्यम से भी जो है श्वसन की प्रक्रिया क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। ये श्वसन नलिका जो है छोटे छोटे जीव जंतुओं में पाए जाते हैं। अब अगला पढ़ जाइए, जंतुओं में श्वसन, जंतुओं में श्वसन करने के लिए क्या है, जैसे अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, कुछ ऐसे विशेष जीव होते हैं जो क्या होते हैं, जिनमें श्वसन कोशिकाएं अंग नहीं होते। इसमें इनका जो संपूर्ण शरीर होता है, उनकी जो संपूर्ण शरीर की जो आकृति बनी होती है वो इस प्रकार से बनी होती है कि वह अपने संपूर्ण शरीर के द्वारा ही श्वसन की प्रक्रिया कंप्लीट करने में सक्षम होते हैं। और मैंने लास्ट लिखा है फेफड़ों के द्वारा श्वसन, जैसे मनुष्य है, जीव जंतु बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं और वो